जी हम आखिरकार दरिया पे पहुंच गए हैं। ये दरिया है जनाब का पार्क है। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अनदर व्लॉग। आप सबको जुमा मुबारक। आज है फ्राइडे और जुमा वगैरह पढ़ लिया, अब खाने लगे हैं खाना। और खाने में है हमारा फेवरेट खाना, ये है राइस। पुलाव बनी हुई है, अल्लाह भेज देता है कहीं ना कहीं से। कल घर बने हुए थे चावल, आज ताए अब्बू के घर से आगे पुलाव। और पुलाव के तो हम भाई फेवरेट हैं, आपको भी पता है, असि चावल नहीं छड़ने। और सुनाएं आप सबका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। और आप लोग सब्सक्राइब यार करें यार प्लीज़, कल का व्लॉग भी आप जाके देखें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सब्सक्राइब ही नहीं करते, मर्दी है थोड़ी भाई जान। और अब खाते हैं जी पुलाव चावल, और खाने के बाद मिलते हैं। A few moments later. जी मैं घर से निकल आया था, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने आज क्लिनिक पे आना था तो उनको क्लिनिक पे उतार दिया। यहाँ से 10 किलोमीटर है जामियाबाद जिधर हमारा फार्म है, बस उधर पहुँचने वाले हैं। जिस तरह पहुँचते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, ठीक हो गया। अगर ये बताना अगर मेरा आप लोगों को बुरा लगता है तो कमेंट में बता दिया करो यार, क्योंकि डेली व्लॉगर जो होता है वो डेली अपनी रूटीन बता रहा होता है कि मैं हम इधर जा रहे हैं, इधर से आए हैं, इधर पहुंचने वाले हैं, एवरीथिंग सब कुछ बताता है कि क्या क्या हो रहा है लाइफ में। और ये रियल लाइफ होती है जो बंदा कर रहा होता है, आपको सब कुछ रियल दिखाता हूँ, ठीक हो गया। मिलते हैं फिर फार्म हाउस में। ओके फार्म हाउस पे पहुंच गया हूँ और देखते हैं, दूध वगैरह कंप्लीट हो गया होगा, 6 बज गए हैं। दूध वगैरह कंप्लीट होता है तो वापस घर की तरफ चलते हैं, और वापसी पे डॉक्टर साहब को भी लेना है क्लिनिक से, ठीक हो गया। उनका क्लिनिक भी आपको दिखाते हैं, ठीक हो गया। ओके ओके जी, डॉक्टर साहब को लेने आए हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं गाड़ी में, ठीक हो गया। One hour later. जी मैं फार्म हाउस से आ गया था और आके थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया था, और ये अहमद भाई आ गए हैं। वालेकुम सलाम। अहमद भाई ने आके मुझे उठाया है, कहते हैं जी कहीं जाना है, पूछते हैं जी किधर जाना है। अहमद भाई किधर जाना है? अच्छा जी भाई, हम असी तो सिंगल बंदे जिदे जगह सानू मिल जाए किधर, फिर भी कोई आइडिया तो होगा घर से, कोई प्लान तो करके आए होंगे। दरिया वाली साइड पे चलते हैं, कोई वहाँ पे कोई रोशनी वगैरह, कोई वहाँ पे कोई बड़ा हरामी हो बेटा, समझ रहे हो ना। चलते हैं फिर, देखते हैं किधर का प्रोग्राम बनता है, निकलते हैं। आखिरकार हमारा ये प्रोग्राम बना है कि हम जा रहे हैं दरिया पे। अहमद भाई ने कहा है जी दरिया पे चलो, दरिया पे चलते हैं। इसका रास्ता रह गया, पहुँचते हैं दरिया पे।
दरिया पे पहुंच गए हैं। ये दरिया है जनाब का पार्क है, ये पिज़्ज़ा ग्रिल वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह है, इसके आगे वो झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों के प्ले लैंड वगैरह है। और अब चलते हैं, कोई बोतल शोतल पीते हैं यार, आए जो ये देखिए कश्ती चली हुई है। ये पार्क में आ गए हैं और पार्क में आते साथ भाईजान स्ट्रिंग मिल गई हमें। स्ट्रिंग के तो हम लव है ना, स्ट्रिंग तो हमारा प्यार है। रश वगैरह कोई नहीं है इतना, वापस चलते हैं घर की तरफ। देखो घर की तरफ जाते हैं या कोई और जगह ढूंढते हैं, कहीं और चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। ये दरिया से वापस आ गए हैं। अहमद साहब से पूछते हैं भाई जान, अहमद भाई आप हमें किधर लेके जाना है आपने? हम देखते हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, क्या भी नहीं किया, चल रहे हैं। फिर भी कहाँ जाना है, कहाँ जाने का आपका माइंड है? तो बहुत सी जगह हैं। अच्छा, फिलहाल थकावट मिलती है। अच्छा अच्छा, खत्म, बाय बाय। लेटर। दरिया से आ गए थे, अहमद साहब चले गए हैं घर। और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो यार पसंद करो, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं यार, पसंद तो करो, लाजमी करो, और सब्सक्राइब तो मस्ट है, और बेल आइकन का बटन दबाएं कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय।